हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षित तो कैसे हैं आप सब आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं सीरीज़ हमारी एक शुरू हुई है फर्स्ट जुलाई से सीरीज़ का नाम है वन कंसेप्ट अ डे बेसिक आइडिया इसके पीछे ये है कि हिंदू में आने वाला कोई एक कंसेप्ट से रिलेटेड हम सारी चीज़ें उस पर डिस्कस करेंगे ठीक है हिंदू एनालिसिस यहाँ पर नहीं हो रहा है मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ वो काम आपका है न्यूज़पेपर को आपने गो थ्रू खुद करना है एडिटोरियल्स आपने खुद से पढ़ने हैं आप सपोर्ट ले सकते हैं वीडियोज़ का या जो टीचर्स आपको करा रहे हैं हिंदू यूट्यूब पर या कहीं पर भी इंस्टीट्यूट्स में सपोर्ट लीजिए पर हिंदू को गो थ्रू खुद ज़रूर कीजिए ठीक है उससे उससे आप बचने की कोशिश मत कीजिए एटलीस्ट एडिटोरियल्स से ठीक है तो फोर्थ जुलाई से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे और आज हमने जो पढ़ना है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ कि आज हम पढ़ेंगे क्या तो बच्चों हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस क्या होते हैं किन फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किया जाता है हम देखेंगे कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है क्लिनिकल ट्रायल्स का इंडिया में और इश्यूज क्या हैं क्लिनिकल ट्रायल्स से रिलेटेड और 2019 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आपके ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स निकाले थे ये क्या है ये क्या कहते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये हमारे मेनली आज का टॉपिक रहेगा डिस्कशन का क्लिनिकल ट्रायल्स हम क्लिनिकल ट्रायल्स को क्यों पढ़ रहे हैं तो अगर आपने हिंदू अखबार खोल के देखा हो तो आज के फ्रंट पेज के ऊपर ये एक न्यूज़ थी कल ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ये आपके मीडिया में भी काफ़ी न्यूज़ चली तो आई ने बात है कि भैया एक वैक्सीन लॉन्च की जाएगी कोरोना के लिए कोविड के लिए बाय अगस्त 15 और इस पर्टिकुलर वैक्सीन का नाम क्या है कोवैक्सीन इस वैक्सीन का नाम क्या है कोवैक्सीन यहाँ पर ये आप इमेज भी देख सकते हो क्या नाम है को वैक्सीन तो किसी अगर आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी वैक्सीन थी ठीक है तो कोवैक्सीन आप नाम बोल दोगे तो ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है इसको डेवलप किया है आपके भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने जो एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये कौन सी कंपनी है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है तो कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछा जा सकता है कि कोवैक्सीन जो है कौन सी कंपनी ने निकाला था तो भारत बायोटेक वहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है अब ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है ये सार्स कॉफ टू स्ट्रेन जो है जिसको आई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरलॉजी ने आपके भारत बायोटेक इंडिया को दिया था उसके बेसिस पर ही ये मेडिसिन जो है पर्टिकुलर मेडिसिन डेवलप की है तो न्यूज़ में तो इतनी बात ही आगे फालतू की बातें थी कि हाँ अगस्त तक निकलेगी या नहीं निकलेगी कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं निकल जाएगी कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं नहीं निकलेगी वो अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी अगर वैक्सीन नहीं डेवलप होती है तो क्या वो ऐसे ही पास हो जाती है उसको पास करने के लिए क्या तरीके होते हैं तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं सबसे पहले वो क्लिनिकल ट्रायल में जाती है अब क्लिनिकल ट्रायल क्या है हम उसको आज जड़ से समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली होते क्या हैं तो ये एक सिस्टेमेटिक स्टडी होती है जिसका काम ये होता है इस स्टडी का काम ये होता है कि ये डाटा जनरेट कर सके और वो डाटा हेल्प करेगा और वेरीफाई करने में हेल्प करेगा आपके जो भी क्लिनिकल और जो आपके फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल हैं या एडवर्स इफेक्ट हैं किसी नए ड्रग के ह्यूमंस के ऊपर ठीक है तो बेसिकली ये उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स को ट्रैक करने की कोशिश करेगा कि क्या कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर ओके और ये एक लौता ऐसा तरीका है जिससे आप ड्रग्स की सेफ्टी जो भी मेडिकल ड्रग्स हैं उनकी सेफ्टी और उनकी एफ़िकेसी जो है वो जज कर सकते हो ओके ह्यूमंस तो में इंट्रोड्यूस करने से पहले वाइड स्केल के ऊपर अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप ट्रायल करो क्लिनिकल ट्रायल फ़ेज़ में आप जाओ इससे पहले कि वो मार्केट में चला जाए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस मेडिसन के बेनिफिट्स के अलावा उससे क्या प्रॉब्लम ही और क्या रिस्क भी हो सकते हैं आप देखो कई बार मार्केट में आप जाते हो कोई मेडिसिन लिखी होती है तो उसके ऊपर स्पेशली लिखा होता है दिस पर्टिकुलर मेडिसिन इज़ नॉट टू बी टेकन नॉट टू बी टेकन बाय सो एंड सो पर्सन कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो ये दवाई ना ले या उस पर लिखा होता है कि पहले आप अपने फिजिशियन से कंसर्न कंसीडर जो है प्रिस्क्रिप्शन लिए उसके बाद ही आप ये दवाई लीजिएगा क्योंकि मेडिसन सबके ऊपर सेम तरह से परफॉर्म नहीं करती तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी कि क्या रिस्क हैं एक पर्टिकुलर मेडिसिन के या क्या बेनिफिट है उसके लिए पहले आपको साइंटिफिक स्टडी करनी पड़ेगी और साइंटिफिक स्टडी के लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल्स में जाना पड़ेगा सो क्लिनिकल ट्रायल इज़ बेसिकली वॉट एक लिमिटेड टेस्टिंग होती है इसके अलग अलग फेजेज होते हैं जब हम आपके साथ अभी इसके फेजेज डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी बन जाएगी तो बेसिकली चार फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ वन में क्या होता है फेज़ वन वो होता है जिसमें पहली बार इंसान के ऊपर ट्राई किया जाता है ठीक है जानवरों वगैरह के ऊपर वाली स्टेज जो है ख़त्म हो चुकी है अब पहली बार ह्यूमंस के ऊपर ट्राई किया जाएगा इसको आप क्लीनिकल फार्माकोलॉजी ट्रायल्स भी बोलते हो ठीक है इस पर्टिकुलर केस में बहुत कम लोगों के ऊपर ट्राई किया जाता है सिर्फ दो या दो तीन लोग होते हैं जिनके ऊपर ये ट्रायल किया जाता है और ये भी वॉलेंटियर्स होंगे ठीक है इन्फॉर्म्ड वॉलेंटियर्स होंगे आप इनको पहले पूरा इन्फॉर्म करोगे कि हाँ भैया ऐसे हमने एक नई मेडिसिन डेवलप की है उसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए हम आपको ये मेडिसिन जो है दे रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि इसके क्या रिस्क हैं क्या नहीं आपको उसको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ठीक है और ये जो दो लोग होते हैं जिनको आप बहुत छोटे स्केल पे ट्रायल्स के लिए यूज़ कर रहे हो इनको बहुत क्लोज सुपरविज़न में रखा जाता है डॉक्टर्स के ताकि वो देख सकें कि क्या इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं क्या जो पेशेंट है वो मेडिसिन के कंपाउंड्स को टॉलरेट कर पा रहा है और उसकी बॉडी किस वे में बिहेव कर रही है क्या जो सोचा था जो प्रिडिक्ट किया था दवाई बनाने से पहले उस वे में बिहेव कर रही है ठीक है अगर फेज़ वन सक्सेसफुल रहता है तो क्लिनिकल ट्रायल्स जाएंगे आपके फेज़ टू पे इसको एक्सप्लोरेटरी फेज़ भी बोलते हैं अब इस फेज़ में जो लोग हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं अब अराउंड टेन टू ट्वेल्व पेशेंट्स के ऊपर इसको जो है प्रैक्टिस किया जाएगा तीन चार अलग अलग सेंटर्स में ठीक है और इफेक्ट्स देखे जाएंगे कि क्या कोई अनएक्सेप्टेबल साइड इफेक्ट हो रहा है उसके बाद आता है आपका थर्ड फेज अब थर्ड फेज होता है बेसिकली कंफर्मेटरी ट्रायल इसमें हजार से तीन हजार लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है ठीक है और ये तभी किया जाता है जब रिजल्ट्स फेवरेबल हों और अगर ये आपका थर्ड फेज भी जो है सक्सेसफुल हो गया तो इसके बाद आप अपना ये डाटा जितना अभी तक आपके तीन फेजिस का डाटा आपने कलेक्ट किया है जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की हैं ये सारा आप डाटा भेजोगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जो भी उस कंट्री की कंसर्न लाइसेंसिंग अथॉरिटी है एक कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए और और फिर फोर्थ फेज में क्या होगा फोर्थ फेज में मार्केटिंग फेज जो होता है जब मार्केट में दवाई चली गई तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में दवाई चली गई तो अब उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी अब इस फेज में भी बहुत क्लोजली जो है मॉनिटर किया जाएगा कुछ सेलेक्टेड डॉक्टर्स के पास ये दवाई अवेलेबल कराई जाएगी जो इसको प्रिस्क्राइब करना शुरू करेंगे और जिन पेशेंट्स को ये दवाई प्रिस्क्राइब की जा रही है उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कि क्या कोई अनफोर्सिन साइड इफेक्ट हो रहा है ठीक है तो ये चार फेजेज होते हैं जिसके थ्रू आपकी किसी भी मेडिसिन को निकलना पड़ता है उसको वाइड स्केल मार्केट में पहुंचाने से पहले ठीक है तो कोवैक्सीन को भी इन फेजेस से होकर के निकलना पड़ेगा अब रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए किसी मेडिसन्स को अप्रूव करने के लिए तो इंडिया में जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो कुछ एक्ट्स के थ्रू गवर्न किए जाते हैं तो बेसिकली आपका डोमेस्टिक एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1956 और सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडिया मेडिसिन एक्ट 1970 ये थ्री बेसिक एक्ट्स हैं जो आपके क्लिनिकल ट्रायल्स को इंडिया में गवर्न करते हैं अब प्री रिक्वेस्ट्स क्या होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के इंडिया में सबसे पहले अगर आप क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हो ऐसा भी नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल आप बिना किसी की मर्जी के कर लोगे ठीक है क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करने के लिए भी क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ वन में जाने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ठीक है उसके बाद आपको रिस्पेक्टिव एथिक्स कमिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी जहां पर भी आप ये स्टडी करना चाहते हो जिस भी रीजन में जिस भी स्टेट में वहां पर आपको एथिक्स कमिटी से स्टडी लेनी पड़ेगी कि आप क्या आप एथिकल वे में ये स्टडी कर रहे हो ठीक है कहीं ऐसा तो नहीं है आप गरीब लोगों फाइनेंशियल नीड्स uh, का सहारा लेकर के उनको इशू बना करके उनको पैसों का लालच दे करके ज़बरदस्ती उनसे इसमें काम करवा रहे हो तो ये सब चीज़ें ये देखेगी ठीक है उसके बाद अगर आपको यहाँ से परमिशन मिल भी जाती है तो आपको मैंडेट्रिली जरूरी एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आई की वेबसाइट के ऊपर उससे पहले आप ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं बिगिन नहीं कर सकते अब इन सब चीज़ों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है ठीक है और ये जो आपका सी है ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया का जो ये ड्रग्स वगैरह सारा मॉनिटरिंग करता है और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने सी को रिस्पॉन्सिबल बनाया है ड्रग्स अप्रूवल के लिए और जो भी सारा क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं उनको देखने के लिए साथ ही साथ ये जो आपका सी डी एस सी ओ है ये स्टैंडर्ड्स ले डाउन करता है ड्रग्स के लिए कि क्या उनके मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए क्या क्वालिटी के मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए अगर कोई ड्रग इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी भी क्या मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो सारे आपका कौन रेगुलेट करेगा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये सारी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं ठीक है ये आपके कहाँ पर पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में और इससे पहले जो अभी हमने किया कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं क्या फेजेज होते हैं ये आपको काम आएगा मेन्स में और ये वाला पार्ट भी आपको प्री में काम आ सकता है कि कौन से कौन से एक्ट जो हैं वो गवर्न करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को इंडिया में ठीक है चार एक्ट आपको दे देगा तो ये होगा वन ये होगा टू ये होगा थ्री और एक और दे देगा तो आपका आंसर वन टू एंड थ्री हो जाएगा ठीक है इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं चलिए उसके बाद सी डी एस सी ओ ये कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है ठीक है जो स्टेट जैसे सी डी एस हो तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं तो ये बाकी की स्टेट्स में जितनी भी स्टेट्स में स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है उनको एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करता है और एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की एनफोर्समेंट में ओके okay? उसके बाद अगर आप देखो सी डी एस ओ सी ओ स्टेट रेगुलेटर्स के साथ काम करके लाइसेंसेस भी ग्रांट करता है स्पेशल कैटेगरी ड्रग्स को क्रिटिकल ड्रग्स को जैसे कि ब्लड एंड ब्लड के प्रोडक्ट्स आई वी फ्लूड वैक्सीन एट तो इन सबको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम भी कौन करेगा सी डी एस सी ओ अब की इश्यूज़ क्या है क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ क्या मेन इश्यूज़ हैं देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ क्या है कई बार क्या होता है ओवर रिप्रेजेंटेशन होती है लो इनकम ग्रुप लोगों की ठीक है आप उनकी फाइनेंशियल नीड्स का फायदा उठा करके जो बड़ी मेडिकल कंपनियाँ दवाइयां बनाने वाली कंपनियाँ है उनको पैसे का लालच देकर ले आती है ठीक है ये वॉलेंट्री नहीं हुआ आप ये नहीं कह सकते कि सर पैसों का लालच दे दिया तो क्या हुआ वॉलेंट्रीली आ रहे हैं ना वो उनको कौन सा ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हैं आप अगर किसी की नीड का फ़ायदा उठाने की कोशिश करके उसको किसी रिस्की जॉब में लेकर के आ रहे हो तो वो वॉलेंट्री नहीं काउंट होगा ठीक है तो लो इनकम ग्रुप पीपल जो होते हैं लो गरीब जो लोग होते हैं उनको आप पैसों का लालच देकर ला रहे हो ये एक बहुत मेजर एथिकल प्रॉब्लम है ठीक है और क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को रिक्रूट करती हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं देती और सिर्फ पैसों के लालच में उनको लेकर ले आया जाता है उसके बाद अगर आप देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कंसेंट ही नहीं लिया जाता पार्टिसिपेंट्स का उन्हें बताया ही नहीं जाता कि उनके ऊपर कोई ऐसी दवाई टेस्ट की जा रही है ठीक है बहुत बार ऐसा होता है और एथिक्स कमेटी नहीं कॉन्स्टिट्यूट होती बहुत समय बहुत टाइम ऐसा होगा कि एथिक्स कमेटी नहीं कॉन्स्टिट्यूट की गई अगर कॉन्स्टिट्यूट कर भी ली तो इन एथिक्स कमेटी में जो लोग हायर होते हैं वो वेल well ट्रेंड नहीं होते अगर वेल ट्रेंड लोग ही नहीं है एथिक्स कमेटी में तो वो कैसे पता कर पाएंगे कि कोई एथिकल वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही है ठीक है और एथिक्स कमेटी इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी नहीं है लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है एथिक्स कमेटी में ये भी एक मेजर कंसर्न है उसके बाद अगर आप देखो देर इज नो नीड टू रजिस्टर विद क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्टेड इन इंडिया बट रजिस्ट्रेशन इज मोस्टली डन फॉर पॉजिटिव ट्रायल केसेस सो देर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी की कमी है अगर पॉजिटिव आ गए तो रजिस्टर कर दिया नहीं आए तो रजिस्टर ही नहीं किया ऑल राइट right. अब अगर आप देखो इंडिया एक डिक्लेरेशन का भी जो है सिग्नेटरी हैल्थ सिंह की डिकलेरेशन अब ये एक प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया गया है लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये जो डिक्लेरेशन है ये वॉलेंट्री है नेचर में इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी मैकेनिज़्म नहीं है ये जो है अगर इसकी वॉयलेशन होती भी है तो किसी कंट्री को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता तो इसको अगर हम जो है इम्प्लीमेंटिंग uh, बना दें इसको अगर हम ये कह दें कि भैया ये uh, हर ऑर्गेनाइजेशन इसको वॉयलेट नहीं कर सकती ये सबके लिए परमानेंट रहेगी तो और ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड बनाए जा सकते हैं पर अभी ये वॉलेंट्री है लेकिन प्री में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी किस चीज़ से कंसर्न है क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है या नहीं है तो आप कह दोगे कि हाँ है ठीक है तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ओके okay. उसके बाद ड्रग कंपनीज और डॉक्टर्स जो हैं आपस में साझेदारी कर लेते हैं इनके बीच में गुठ बन जाते हैं ठीक है डॉक्टर्स को वो बोल देंगे कि तू ये ये दवाई प्रिस्क्राइब कर दे कोई बात नहीं देखी जाएगी ताकि पता चल जाए ट्रायल हो जाए पेशेंट को पता नहीं लेकिन दवाई दे रहे हैं उनको तो ये जो है की इश्यूज हैं इसके अलावा अगर आप देखो कुछ एथिकल कंसिड्रेशन भी है क्या राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं जो जिन लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है क्या इन्फॉर्म्ड कंसेंट है लोगों का ऐसा तो नहीं है कि उनको बिना बताए उनको दवाई खिला दें ठीक है प्राइवेसी क्या मेंटेन की जा रही है पार्टिसिपेंट्स की अब कोई बंदा तुम्हारे पास एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए वॉलेंट्रीली आ गया ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसकी आइडेंटिटी पब्लिकली पब्लिश कर दो क्योंकि होगा क्या अब अगर उसके ऊपर कोई दवाई आप उसको खिला रहे हो क्लिनिकल ट्रायल फ़ेज़ में वो चल रहा है दो महीने छः महीने वो क्लिनिकल ट्रायल फ़ेज़ में चल रहा है अगर आपने उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी तो लोग उससे दूर रहना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये तो कोई नई तरह की दवाई खा के आ रहा है जो अभी तक जिसको वैलीडेट नहीं किया है जो क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ में है इसको तो क्या आप कोई बीमारी हो जाए कोरोना के ट समय पर भी ऐसे ही हुआ ना लोग डॉक्टरों से पुलिस वालों से दूर भागने लग गए इनको लोगों ने अपने घरों से निकाल दिया जो लोग रेंट पर रह रहे थे कि भाई हमें भी हो जाएगा तो ये वाली चीज़ इन लोगों के साथ भी होगी तो आपको प्राइवेसी उनकी मेंटेन करनी है ये एक एथिकल कंसीडरेशन है क्या सब सब्जेक्ट्स जो हैं जिनके ऊपर आप कर रहे हो उनकी सेफ्टी का आप पूरा ध्यान रख रहे हो कि अगर जो मेडिसिन है वो एडवर्सली रिएक्ट कर जाती है तो क्या आप उनकी जान बचा सकते हो ठीक है जो भी रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वेलबींग well देख रहे हो अकाउंटेबिलिटी है ट्रांसपेरेंसी है जब आप ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हो और जो आपके रिसर्च के रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या आप उसको पब्लिक डोमेन में डाल रहे हो या जनता को आप अंधकार में रख रहे हो तो ये सारे कुछ एथिकल कंसिडरेशन है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ आते हैं अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स ऑफ 2019 ठीक है 2019 में सरकार ने कुछ ये रूल्स लेकर के आए मेनली इन नए रूल्स का एम क्या था एक तो एम था ताकि इंडिया में क्लिनिकल रिसर्च को प्रमोट किया जा सके क्लिनिकल रिसर्च का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई ठीक है ताकि और ज़्यादा लोग इनक्रेज हों कि वो प्रॉपर वे से क्लिनिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट करें ट्रांसपेरेंसी आई लाई जा सके इफेक्टिव रेगुलेशन ला लाया जा सके और एक कारण इसका ये था कि फ़ास्टर एक्सेसिबिलिटी हो ऐसा ना हो कि रेड टेपिज़्म में फंसी हुई हैं नई कंपनियां जो दवाइयां बना रही हैं ठीक है ठीके? उनको परमिशन ही नहीं मिल रही ट्रायल्स के लिए उससे क्या होता है नई दवाइयां नहीं बनती और नई दवाइयाँ नहीं बनती तो वही आप डिपेंडेंट रहोगे बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए और अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खराब हो रहा है पैसा भी खर्च रहे हो और जो अल्टीमेटली पेशेंट है उसको भी वो दवाई महंगी पड़ रही है ठीक है अगर आप जेनरिक दवाइयाँ बना रहे हो अगर आप अपने देश में दवाइयाँ बना रहे हो तो वो पेशेंट को भी सस्ती पड़ेगी आपकी इकोनॉमी के लिए भी अच्छी रहेगी और फर्दर आप बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकोगे उसको तो उसके बहुत सारे फायदे हैं अब इसमें बेसिकली फ़ीचर्स क्या थे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे इन रूल्स के सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर ये जो आपके रूल्स थे जो ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स थे दो के इन्होंने टाइम कम कर दिया अप्रूवल का ठीक है इन्होंने कहा कि भैया अगर कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर है कोई इंडियन कंपनी है अगर वो सबमिट करती है रिक्वेस्ट तो उसकी थर्टी डेज़ में रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी जाएगी ओके और अगर कोई कंट्री बाहर से आई है कोई फॉरन कंपनी है तो उसके लिए 90 डेज़ का टाइम है पहले कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड ही नहीं थी सालों साल निकल जाया करते थे तो अब 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाएगा इंडियन कंपनी को और 90 डेज के अंदर अंदर मिल जाएगा फॉरेन कंट्री को और अगर इन 30 डेज या 90 डेज में कंपनी को कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलता ड्रग्स कंट्रोलर जनरल से ठीक है उनके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आता कि उनका अप्रूव हुआ या डिसअप्रूव हुआ ठीक है तो ऑटोमेटिकली ये समझ लिया जाएगा कि एप्लीकेशन हैज़ बिन अप्रूव्ड अगर कोई भी कम्युनिकेशन आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से नहीं आता ठीक है ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है रेड टेपिज्म को खत्म करने का ऑल right. उसके बाद इसमें एक फीचर डाला गया कि जो आपका डीजी डीसीजीआई uh, है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है ये डिसाइड करेगा कंपनसेशन के बारे में कि अगर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं जो जो मेडिसिन ट्रायल्स हो रहे हैं अगर वो क्लिनिकल ट्रायल्स की वजह से किसी की डेथ हो जाती है या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी को या इंजरी हो जाती है तो उस केस में कितना कंपनसेशन दिया जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा यह ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं स्टेटमेंट बेस्ड उसमें ठीक है तो ध्यान से इनको समझ लो उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ अ लोकल क्लिनिकल ट्रायल मे बी वेव्ड फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग अब देखो कोई ऐसा ड्रग है कोई बाहर वाली कंपनी है फॉर एग्जाम्पल यू एस की कोई कंपनी है अब यू एस की कोई कंपनी ने US की उस मेडिसिन बनाने वाली कंपनी में वो मेडिसिन पहले यूएस में बनाई और वहाँ पे वो अप्रूव्ड है यूएस गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया हुआ है और यूएस की मार्केट में उसको बेचा भी जा रहा है ठीक है या कोई इंडियन कंपनी थी जो यूएस में मेडिसिन बना रही थी और यूएस में वो अप्रूव्ड भी है और उसको यूएस में बेचा जा रहा है अब होता क्या है कि अगर वो कंपनी इंडिया में आकर के मेडिसिन बनाना चाहती है पहले क्या होता था कंडीशन ये रखी जाती थी कि आपको पहले लोकली क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे लेकिन जो 2019 के रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि अगर जो है पहले ट्रायल हो चुका है ऐसी कंट्री में जो कंट्री स्पेसिफाइड है बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल जिन कंट्रीज को इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने कहा है कि ठीक है अगर वहां पे मेडिसिन मैन्युफैक्चर हुई है और अप्रूव्ड है तो हमारे यहां पर भी वो अप्रूव्ड है ठीक है तो अब ऐसी मेडिसन को क्लिनिकल ट्रायल नहीं करना पड़ेगा इंडिया में आकर के ठीक है फॉर एग्जाम्पल यूएस की जो ड्रग अप्रूविंग अथॉरिटी है उसको रिकॉग्नाइज करता है आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तो अब उस कंपनी को इंडिया में जब वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो इंडिया में उसको क्लिनिकल ट्रायल पे जाने की जरूरत नहीं है वो सीधा मैन्युफैक्चर करके मार्केट में जा सकते हैं इससे क्या होगा टाइम बचेगा ठीक है और पैसा बचेगा और बाहर वाली जो कंपनीज़ हैं उनके लिए अट्रैक्टिव हो जाएगी इंडिया की मार्केट जैसे ऑस्ट्रेलिया है यूएस है कैनेडा है ये सारी कंट्रीज जो है हमने इनको जो आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल है वो इनको जो है वेरीफाई करता है कि हाँ भैया अगर यहाँ से दवाई अप्रूव हुई है तो वो अप्रूव्ड है और राइट right, उसके बाद एथिक्स कमेटी के बारे में बोला गया है कि एथिक्स कमेटी जो है अगर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं इंडिया में तो उनको मॉनिटर करेगी एंड अकॉर्डिंगली कंपनसेशन डिसाइड करेगी अगर कोई एडवर्स सिचुएशन हो जाती है और राइट right, उसके बाद अगर कोई इंजरी होती है क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट को जो बंदे वॉलेंटरली क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये कहा गया है कि उस केस में मेडिकल मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति को प्रोवाइड कराई जाएगी उतने समय तक जितने समय तक उस केस के इन्वेस्टिगेटर को लगता है ठीक है अगर कोई एडवर्स सिचुएशन होगी कुछ बुरा हो गया उस ट्रायल सब्जेक्ट के साथ कुछ उसको हेल्थ uh, में प्रॉब्लम्स आ गई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ गई तो इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करेगा कि कब तक उसको प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी ऑल राइट right. उसके बाद अगर कोई ड्रग जो है उसको सिलेक्ट डेवलप्ड मार्केट्स में जो है अप्रूव किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी इंडिया में ठीक है ये हम पहले भी देख चुके हैं रिमूवड रेगुलेशन ऑन टेस्ट कंडक्टेड ऑन एनिमल्स इन केस ऑफ ड्रग्स अप्रूव्ड एंड मार्केटेड फॉर मोर देन टू इयर्स इन वेल रेगुलेटेड ओवर ड्रग्स अब अगर कहीं किसी मार्केट में कहीं जहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएस है यूएस में वो आ, ड्रग अप्रूव्ड है और वहां पे वो दो साल से उसको बेचा भी जा रहा है ओवरसीज में तो इंडिया में आकर के उसके ऊपर ये भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी कि पहले एनिमल्स के ऊपर जो है कंडक्ट करो लेकिन इसमें सिचुएशन ये है कि वो इंडियंस के ऊपर भी टेस्टेड होनी चाहिए ठीक है इंडियंस के ऊपर भी टेस्टेड होनी चाहिए इंडियन पेशेंट्स के ऊपर भी टेस्टेड होनी चाहिए ऑल right. चलिए तो यहां पर यह हमारा लेक्चर हो जाता है एंड इसमें हमने सीखा ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स के बारे में 2019 क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने समझा क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या चीजें हैं सारी हमने चीजें समझ ली हैं ऑल राइट तो ये जो लेक्चर है ये आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्डर पॉइंट्स आपको इस लेक्चर से मिल जाते हैं आई होप आपको मजा आया होगा किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकता है ठीक है ये डेली आपका एक वीडियो आता है वन कंसेप्टर डे वाला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें सो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय